तो आप भी परेशान हो गए हो ब्रेकआउट में बार बार ट्रैप होके यार, टेंशन मत लो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कहाँ पे ब्रेकआउट जेन्युइन है, कहाँ पे ब्रेकआउट ट्रैप करेगा, सारी चीज़ें आप खुद से ही देख पाओगे चार्ट पे। बस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और जो भी डाउट्स आए वीडियो के एंड पे आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन पे उसको। चलो सबसे पहले जान लेते हैं अपन एक ब्रेकआउट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज अ ब्रेकआउट। सपोज करो हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट आ रहा है नीचे से, ऐसा आके हिट किया रेजिस्टेंस को एंड सडनली थोड़ा सा पुलबैक लेके इसको ब्रेक कर दिया, नाउ इट्स अ ब्रेकआउट, ठीक है। हमारा रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट वहां से ऊपर जाना चालू करता है तब अपन इसको बोलते हैं ये एक ब्रेकआउट, और यहाँ पे अपन अपनी एंट्री बनाते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज ब्रेकडाउन, अपोजिट, ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट आया ऊपर से, मार्केट ने सपोर्ट एरिया हिट किया, थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेशन किया, पुल बैक लिया एंड ब्रेकडाउन, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और यहाँ से आपका प्रॉफिट होता है। अब लोग फंसते किस में, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये ब्रेकआउट आया, ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और वहाँ से वापस वो आ गए नीचे, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, आपने ये सोचा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ने आपको एंट्री दी एंड मार्केट सडन एक फॉल दिखा दिया और आपका एसएल ले गया और बहुत बड़े आपको लॉसेस हो गए। तो देखो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, आप आसानी से ये चीज़ चेक कर पाओगे मार्केट में कि कहाँ पे जेन्युइन ब्रेकआउट है, 80% से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी ब्रेकआउट को पहचानने में। चलो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी चार्ट के ऊपर। सी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अब इस एरिया को ध्यान से देखो ये एरिया। हाँ एक और गलती जो बिगनर सबसे ज़्यादा करता है वो ये करता है कि वो हमेशा क्या करता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया को एक लाइन की तरह मार्क करता है, ऐसा कर दिया बस, ऐसे कर दिए, तो इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ अप्रोच। हमेशा आपको एक प्रॉपर जोन चाहिए जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर ये जोन ड्रॉ करना नहीं आता तो मैं दोबारा आपको ये चीज़ भी सिखा देता हूँ। आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू टूल पे, आपको ये वाले पे जाना है, यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है एंड सिंपली यहाँ से पुट करके ऐसा करके ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ जोन नॉट अ पर्टिकुलर लाइन, तो एक लाइन से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनता। ओके वापस आ जाते हैं, अब इस एरिया को देखो, ध्यान से देखो, इस एरिया पे मार्केट ने एक फॉल दिखाया, वापस से आया, इस एरिया को हिट किया, ठीक है। अपन के पास हो गए दो पॉइंट्स, यहाँ पे अपन को ये चीज़ पता चल गई कि एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ने वापस एक पुल बैक दिखाया और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे एंट्री लें कि नहीं लें, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको इंडिकेटर पे जाना है, ठीक है, इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके वॉल्यूम सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऐसे नीचे में वॉल्यूम्स आनी दिखाई दे देगी, ठीक है, पूरी वॉल्यूम्स दिखाई देगी। अब आपको चेक करना है जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, जहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है, जैसे कि इस ग्रीन कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिला है, क्या उसमें नॉर्मल टाइम से ज़्यादा वॉल्यूम है, नॉर्मल इन द सेंस नॉर्मली मार्केट की वॉल्यूम कितनी चल रही है ग्रीन कैंडल्स की, कुछ इस प्रकार से। एंड आपको ये चेक करना है कि क्या उसमें सच में ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट मिला है, तो अपन चेक करते हैं ये। ओके तो इस कैंडल की वॉल्यूम को देखोगे, अगर इस कैंडल के अपन वॉल्यूम को मिलाते हैं नीचे से तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मिला। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद आपको वेट करना है रीटेस्ट का, ठीक है। कभी भी अगर आपको डायरेक्ट ऐसा ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट मिलता है और उसमें वॉल्यूम स्पाइक मिलती है, देन इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो सस्टेन करेगा ब्रेकआउट और ऊपर वहाँ से मार्केट जाएगा। बट इन केस अगर आपको वहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिलती, आपको वेट करना है प्रॉपर रीटेस्ट का। तो इस चार्ट पे अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो मार्केट आया, हमारे एरिया को हिट किया एंड वापस से वहाँ से ऊपर जाने का मूव दिया, रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। अब आपको ये कैसे चेक करना है कि भाई रीटेस्ट सक्सेसफुल होगा कि वापस से मार्केट यहाँ से आके ऐसा नीचे गिर जाता, तो इसका आंसर ये है कि आपको चेक करना है कि आपका जब रीटेस्ट लेने मार्केट आ रहा है तो क्या वहाँ पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है जिससे आप कंफर्मेशन ले पाओ। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कौन कौन से चेक करने हैं, पहला चेक करना है आपको एक डोजी कैंडल, अगर आपको रीटेस्ट पे एक डोजी कैंडल मिलती है आपके फेवर में, देन डेफिनेटली देर इज अ चांस कि वहाँ से मार्केट आपके फेवर में मूव देगा, ठीक है। पहली कैंडल कौन सी चेक करनी है, डोजी। दूसरी कौन सी कैंडल चेक करनी है आपको, एक हैमर कैंडल। ये जो सारी कैंडल्स है ये एक रिवर्सल कैंडल होती है जिसके कारण आपको बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिलता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं उस ब्रेकआउट की तरफ। तो पहला क्या देखना है आपको, डोजी, दूसरा देखना हैमर एंड थर्ड वन इज बुलिश एनगल्फिंग कैंडल अगर आप ऊपर के साइड का मूव देख रहे हो, और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल अगर आप नीचे साइड का मूव देख रहे हो। तो ये तीन कैंडल स्टिक आपको देखनी है, अगर आपके फेवर में मिलती है ब्रेकआउट के बाद तो आपको वहाँ पे एंट्री बिल्कुल बनानी है। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे अपन को ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम नहीं मिले, मार्केट आया रिटेस्ट करने, व्हाट वी हैव गॉट हियर, हमको क्या मिला, यहाँ पे मिल गया एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल प्रॉपर ग्रीन कलर का जो कि पूरी की पूरी रेड कैंडल को कवर कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, हमारा SL कहाँ क्या था, इस लो के नीचे का आता है, यहाँ पे अपन ने आसानी से इस मूव को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जेन्युइन ब्रेकआउट अपन ने पकड़ लिया। नेक्स्ट एक बार और चेक करते हैं मार्केट को, ओके यहाँ पे चेक करते हैं मार्केट को, ठीक है। इस एरिया पे अगर मार्केट को चेक करोगे कंटिन्यू, पहले सपोर्ट की ही बात कर रहे हैं, मार्केट ने अगेन इसी एरिया को सपोर्ट माना, वापस से ऊपर गया, वापस से आया एंड सी डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दिया। अब आपको एक चीज और चेक करनी है, सपोर्ट करो, ये सपोर्ट एरिया है आपका, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट होने से पहले कि क्या पता है जेन्युइन रहेगा कि अपन को वेट करना है रीटेस्ट का, कई लोगों की ये भी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको क्या चेक करना है, जब भी आपके सपोर्ट एरिया को हिट करेगा मार्केट और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है देन आपको वेट करना है रीटेस्ट होने का, अदरवाइज आपको एंटर नहीं करना है। और इन केस अगर आपका जो मार्केट है वो आता है आपके सपोर्ट एरिया को हिट करता है और वहां पे कंसोलिडेशन करता है, ठीक है। कंसोलिडेशन कितने कैंडल्स की होनी चाहिए, अगर आपके सपोर्ट एरिया पे मार्केट ने हिट किया तो मिनिमम 3 कैंडल्स अगर मार्केट आपके कंसोलिडेशन पॉइंट पे बना के ब्रेकडाउन देता है देन देयर इज अ चांस कि मार्केट वहां से बहुत अच्छी रैली कंटिन्यू करेगा आपके फेवर में। इस एरिया पे क्या किया मार्केट ने, हमारे सपोर्ट एरिया पे एक भी कैंडल का कंसोलिडेशन नहीं किया, सीधा ब्रेकडाउन दे दिया। सीधा ब्रेकडाउन में आपको क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है वॉल्यूम्स। तो अगर इस कैंडल की वॉल्यूम को चेक करोगे, यहाँ पे कोई वॉल्यूम है नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम एकदम न्यूट्रल है, कुछ ज्यादा स्पाइक नहीं मिला है, तो हमको किस चीज का वेट करना है, हमको वेट करना है एक रीटेस्ट का। और रीटेस्ट पे किस चीज का वेट करना है आपको, एक प्रॉपर कैंडल का। यहाँ पे रीटेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मार्केट आया सडनली, यहाँ पे एक डोजी दिखी, सी यहाँ पे एक डोजी दिखी, चलो ये डोजी भी थोड़ी दूर है हमारे सपोर्ट एरिया जो ब्रेक हुआ है उससे, तो अपन वेट कर लेंगे थोड़ा और कंफर्मेशन का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक प्रॉपर रेड कलर की हैमर कैंडल, जिसको जिसको दिख रहा है इसको थोड़ा मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे किसको किसको दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर ये वाली जो कैंडल बनी है एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। हैमर कैंडल आपको मिल गई रीटेस्ट एरिया पे, दैट मीन्स कि आपका ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और एक मूव दिखाएगा। अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है इस हैमर कैंडल के पास में, मार्केट यहाँ तक का मूव दिया। अब अगर आपको लग रहा है ये मूव छोटा है तो आपको ये चीज चेक करना चाहिए कि एक और सपोर्ट एरिया मार्केट में आ रहा है जो कि यहाँ तक का है, ठीक है। यहाँ तक का एक और सपोर्ट एरिया है तो मार्केट ने यहाँ तक की मूव दी एंड यहाँ तक का आपको टारगेट खींचना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रैली आपको कवर करनी है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को चेक करोगे निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स है और इस पे आप एक डिसेंट अपने 5 से 10 पॉइंट निकाल सकते हो। तो मैंने 2 ब्रेकआउट आपको दिखाए हैं सपोर्ट एरिया की, दोनों में अपन को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं एक थर्ड एरिया की तरफ, चलो यहाँ पे अपन चेक करते हैं एक रेजिस्टेंस एरिया को, ठीक है। एक रेजिस्टेंस एरिया को अपन चेक करते हैं, ओके ये रेजिस्टेंस एरिया कैसा था, यहाँ पे मार्केट आया रेजिस्टेंस को हिट किया, कंसोलिडेट भी किया, ठीक है। ये बट फर्स्ट टाइम था तो अपन यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, मिनिमम एक बार अगर प्रीवियस टच मिलता है उसके बाद दोबारा अगर वहां से मार्केट रिजेक्शन देता है तब उसको अपन रेजिस्टेंस लाइन मानते हैं, उससे पहले उसको रेजिस्टेंस ट्रीट नहीं करते। तो यहाँ पे अपन को नहीं पता था वो रेजिस्टेंस है, बट हालांकि वापस से जब मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की ट्राई किया देन अपन ने एक जोन ड्रॉ किया। मार्केट आया रेजिस्टेंस लेने की ट्राई किया, मार्केट में एक बड़ा फॉल आया, वापस से मार्केट हिट किया रेजिस्टेंस एरिया को और यहाँ पे वापस से मार्केट ने एक ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो ब्रेकआउट है यहाँ पे क्यों एंट्री नहीं बनती, तो हमेशा याद रखना जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद एंट्री बनाने की ट्राई करोगे तो हमेशा आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अगर आपकी कैंडल क्लोजिंग आपके रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मिलती है तभी आपकी एंट्री वहाँ पे जेन्युइन होगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिली, नहीं मिली। कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे मिली, हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास पे, ओके नो प्रॉब्लम। वापस से मार्केट आया, मार्केट ने हमारा सपोर्ट एरिया ब्रेक किया, ठीक है, वापस से आया, वापस मार्केट ये वाली कैंडल पे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। ये वाली कैंडल पे मार्केट आया है, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया। अब यहाँ पे कैसे एंट्री बनती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था वॉल्यूम्स चेक करना, सी द वॉल्यूम कितनी हाई वॉल्यूम है। यहाँ तो आपको भी पता चल जाएगा कि यार इतने सारे जब बायर्स इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे मैं भी एक छोटी सी एंट्री प्लान कर सकता हूँ, और अगर आपने यहाँ से एंट्री प्लान की होती आपने तुरंत से अपनी पोजीशन में बना ली होती, ठीक है। तो ऐसा करके आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। नाउ वन मोर थिंग, कभी भी याद रखना अगर रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री बना रहे हो तो हमेशा क्लोजिंग का वेट करना है, एंड क्लोजिंग भी आपके फेवर में ज़्यादा दूर नहीं रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, यहाँ पे अगर मान के चलो किसी को यहाँ पे एंट्री किसी ने बना ली रहती तो उसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका SL जो है वो काफ़ी बड़ा आ जाता। तो हमेशा याद रखना ऐसे टाइम पे आपको रीटेस्ट का वेट करना है, एंड रीटेस्ट का वेट करते करते आपको पता है कि कैसे आपको वहाँ पे एंट्री बनानी है, ठीक है। अगर कई लोग चलो एग्जांपल ले लेते कि इसकी क्लोजिंग एकदम रेजिस्टेंस एरिया पे हुई, कई लोग वेट कर गए कि भाई चलो रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग हुई है अपन को एक रीटेस्ट एरिया का वेट करना है, ठीक है अपन वेट करते हैं। चलो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मार्केट आया, मार्केट सडन एक ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे रीटेस्ट दिया मार्केट ने, नहीं ब्रेकआउट सस्टेन हुआ नहीं, तो क्या आप
अब आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या यहाँ पे आप ट्रैप होगे? नहीं। आपको रीटेस्ट सक्सेसफुल कब नजर आएगा? जब वहां पे आपको मिलेगी एक रिवर्सल कैंडल। यहाँ पे रिवर्सल कैंडल मिली, मार्केट में नहीं मिली, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं अपन चार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बार वापस से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला। नाउ हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है, कंसोलिडेशन। यहाँ पे कितने कैंडल्स की कंसोलिडेशन मिली रेजिस्टेंस एरिया पे? 4 से 5। यहाँ पे एक भी कैंडल की नहीं मिली थी, सीधा आया ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने एंड वहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनी। जिसने बनाई ठीक है, वॉल्यूम्स देख के भी बना सकते हो। अगर वॉल्यूम्स देख के नहीं बना रहे हो तो रीटेस्ट का वेट करो। रीटेस्ट फेल किया, एंट्री नहीं बनती, आपका एसएल बच गया। अब वापस से मार्केट हिट किया, इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं दिया, बट इस बार जब ब्रेकआउट दिया मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, ठीक है, एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला और एक ब्रेकआउट आया। अब इस ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट को आप चेक करोगे कि भाई वॉल्यूम बढ़ी तो नहीं, वॉल्यूम नहीं बनी, वॉल्यूम न्यूट्रल थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कंसोलिडेशन के बाद के ब्रेकआउट पे एंट्री बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हो, आराम से आपके यहाँ तक के टारगेट्स मिले। बट जो सेफ ट्रेडर है, जो वेट करता है रीटेस्ट का, यहाँ पे वेट कर लो रीटेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट का वेट किया, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने आपको यहाँ पे फेवरेबल कैंडल दी, कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल्स दी और यहाँ पे काइंड ऑफ अ डोजी जैसी भी बनाई, थोड़ी सी हेल्दी है, मोटी है डोजी, बट यहाँ पे डोजी है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री बनाते हैं, आपका अच्छा खासा मूव यहाँ पे कैप्चर करने को मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखना, एक बार में वीडियो समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखना, जो भी डाउट्स है दोबारा पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आपको एक एग्जाम्पल में और दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं चार्ट पे। ओके सी, यहाँ पे इस एरिया को देखो, इस एरिया को देखोगे अगर मार्केट में, तो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, एक बार फॉल बैक दिया, यहाँ पे वापस से एक बार पुल बैक दिया। नाउ दिस टाइम व्हाट मार्केट डिड, कंसोलिडेशन आपको चाहिए 3 कैंडल मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 3 कैंडल की कंसोलिडेशन चाहिए जो कि रेजिस्टेंस एरिया को टच कर रही हो ब्रेकआउट कैंडल से पहले। यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मिली? नहीं मिली। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन मिली तो ऐसा नहीं है, मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे कंसोलिडेशन कहाँ पे मिल रही थी, ये 2 कैंडल की कंसोलिडेशन है, बट उसके बाद मार्केट ने फॉल दे दिया और जो कैंडल ब्रेकआउट दी उससे पहले सिर्फ 1 कैंडल का कंसोलिडेशन था। तो इस टाइम पे अपन को क्या चेक करना है, वॉल्यूम्स। अगर अपन वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम में कुछ उतना ज़्यादा स्पाइक नहीं आया है। ये वॉल्यूम की कैंडल की साइज़ ज़रूर बढ़ी है, बट अगर बाकी कैंडल्स से कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम की साइज़ में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसमें उतनी अच्छी बाइंग नहीं अपन एक्सपेक्ट कर सकते। हमको वेट करना है रीटेस्ट का, क्या हमको यहाँ पे रीटेस्ट मिला, ठीक है, रीटेस्ट इस एरिया पे मिला? नहीं मिला। ना तो हमको यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिली, ना हमको एक डोजी कैंडल मिली, ना कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली। तो इस टाइम पे अपन को क्या करना है, इस ट्रेड को अवॉइड करना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं वापस से क्विक रिविजन करा देता हूँ, आपको हमेशा एक ब्रेकआउट पे क्या चेक करना है, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया अपन ने, मार्केट अगर आ रहा है और अगर मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन 3 कैंडल मिनिमम की होने के बाद ब्रेकआउट मिल रही है, आपका ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत जेन्युइन है। यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो अगर कैंडल क्लोजिंग सामने है, अगर कैंडल क्लोजिंग काफ़ी दूर है वेट करो रीटेस्ट का। रीटेस्ट पे आपको क्या चेक करना है कि या तो आपको डोजी मिले, या तो एक हैमर कैंडल मिले रिवर्सल, या फिर एक एनगल्फिंग कैंडल जो आपके फेवर में हो, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर है। नाउ व्हाट वी हैव टू वेट, अगर मान के चलो ये बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट आता है, मार्केट ने सडन ब्रेकआउट दिया विदाउट कंसोलिडेशन, आपको वेट करना है वॉल्यूम्स का। अगर वॉल्यूम बार में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा देन आपका ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। अगर ब्रेकआउट की कैंडल ज़्यादा दूर की नहीं है तो आप यहाँ पे भी एक अपनी एंट्री बना सकते हो, और अगर दूर की क्लोजिंग है वेट करो रीटेस्ट का, सेम पैटर्न सेम प्रोसेस फॉलो करो, डोजी कैंडल फाइंड करो, हैमर कैंडल फाइंड करो, या फिर एनगल्फिंग कैंडल जो कि आपके ब्रेकआउट को सपोर्ट करे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है आपको एकदम अच्छे से फॉलो करनी है। कोई भी डाउट आएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया ड्रॉ करना नहीं आता तो आपके राइट साइड में एक वीडियो आ रही होगी, उसको जाके देखो, वो भी मेरी वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया आप आराम से फाइंड कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आएगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। फ्री टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे और पिन कमेंट पे, वहां से जाके आप फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी आपका भाई वहां पे है।